बेंगलुरु में पिछले 12 दिनों से ठहरे कांग्रेस के विधायक आखिरकार दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के सभी 22 विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन विधायकों को दिल्ली में अपने निवास पर पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि ये सभी विधायक सोमवार को विधायक दल की बैठक में शिरकत करेंगे। जो भी विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं उनमें 18 सिंधिया समर्थक हैं। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनमें 16 विधायक ग्वालियर चंबल से हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस क्षेत्र में आते हैं, लिहाजा सिंधिया का इस क्षेत्र में खासा प्रभाव माना जाता है। गौरतलब है कि 22 विधायकों के इस्तीफे और 2 विधायकों के निधन से प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों के लिए 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराए जाएंगे, यानी अब इन 22 का भविष्य उपचुनाव पर टिक गया है। माना जा रहा है कि मई जून में चुनाव आयोग उपचुनाव करा सकता है। उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे कि नई सरकार बहुमत में रहेगी या नहीं, लेकिन इससे पहले 22 मार्च को नवरात्र के शुरू होने के साथ ही बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है।